हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं रंजना पांडे और ये है मेरे लेक्चर नंबर 6 ज्योग्राफी का। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास का टाइटल है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, यानी कि लैंडफॉर्म्स, मेन लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। यहाँ से देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उनको देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं, यानी कि पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि जो स्थल रूप होते क्या हैं, यानी स्थल रूप मेन क्या है कि जैसे आपके पर्वत हैं, पठार हैं, आपका मैदानी इलाका है, ये जो सारी चीज़ें हमारे पृथ्वी पर हैं, अर्थ पर जितनी भी सारी चीज़ें हैं, स्थल आकृति जितनी भी हैं, वो सारी क्या कहलाती हैं, स्थल रूप कहलाती हैं। चाहे वो पर्वतों के रूप में हो, पठार के रूप में हो, चाहे किसी भी फॉर्म में हो वो। तो लैंड फॉर्म्स क्या होते हैं, यानी कि जो हमारी अर्थ है उसके अर्थ पर किसी भी रूप में कोई भी फॉर्म हो वो क्या कहलाएगा, लैंड फॉर्म्स कहलाएगा। ये देखिए यहाँ से, क्या आप जानते हैं पहाड़ी वह स्थली भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। यानी कि अगर हम पहाड़ी की बात करें तो क्या है कि अगर हम समतल एरिया पर रह रहे हैं तो यहाँ से थोड़ी जो ऊंची उठी हुई है, आपने देखा होगा कहीं कहीं कि किसी किसी सिटी में ये होता है कि पहाड़ी पर उनका घर बना हुआ है, यानी कि जो हम ये एरिया में जिसमें हम रह रहे हैं, हम जो समतल एरिया में रह रहे हैं उससे थोड़ा ऊँचाई पर है वो क्या कहलाएगा, पहाड़ी कहलाएगी। लेकिन 600 मीटर से अधिक ऊँचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। लेकिन अगर ये पहाड़ी 600 मीटर तक हो जाए, कितनी, 600 मीटर तक खड़ी ढाल वाली, एक तो इस तरह की हो गई यानी इस पर घर भी बना सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन जहाँ खड़ी ढाल वाली हो जाती है, इस तरह से हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, फिर पर्वत कहलाता है। आगे पूछा गया 8000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम बताइए, तो कौन सा पर्वत हो जाएगा, आपका माउंट एवरेस्ट है, उसकी ऊँचाई कितनी है, 8848 मीटर है आपका। गॉडविन ऑस्टिन है, उसकी भी 8000 से ज़्यादा है, तो ये आपके कौन से हो जाएंगे, 8000 मीटर से ऊंचाई वाले पर्वत। अब आपके यहाँ पर बहुत सारी लैंड फॉर्म्स दी गई हैं जिससे आपको स्थल रूप होती क्या है ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। जैसे आपका है यहाँ पर पर्वत, यहाँ पर आपका क्या दिया गया है, पर्वत दिया गया है, हाँ जैसे यहाँ पर दिया गया है आपका पर्वत, तो पर्वत भी क्या है, लैंड फॉर्म्स है। पठार आप ये देख सकते हैं, पर्वत पठार, ये आपकी जो नेक्स्ट, जैसे अभी हम ये क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ रहे हैं, जैसे आप 7th 8th में पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें आप डिटेल्स में पढ़ोगे कि पर्वत है तो कितनी ऊंचाई पर होंगे, पठार क्या है, पठार किसको बोलते हैं, अभी मैं शॉर्ट में ही आपको बता, पर्वत जैसे हमने जान लिया कि जिनकी ऊँचाई कितनी होगी 600 मीटर से जिसकी ऊँचाई होगी वो क्या कहलाएगा, आपका पर्वत कहलाएगा। पठार क्या होते हैं कि समतल एरिया से ऊँचे होते हैं लेकिन जो इनका बेस होता है वो समतल होता है, यानी कि ऊंचाई पर होंगे, जैसे अगर हम यहाँ रह रहे हैं तो ये ऊंचाई पर इस तरह से होंगे, यानी ये जो इसका स्थल होगा ये कैसा होगा, सरफेस जो होगा वो कैसा होगा, समतल होगा। उसके बाद आपकी क्या है, पर्वत श्रृंखलाएँ, ये भी हैं फॉर्म स्थल रूप, ये पहाड़ी हैं आपकी, घाटी, मैदान, ये सारे हैं। स्थल संधि, स्थल संधि क्या होती है कि जो इसके तीनों तरफ क्या है, पानी है और किसी को स्थल से जोड़े, उसको क्या बोलते हैं, स्थल संधि। आपका फिर क्या, डेल्टा, डेल्टा क्या होता है कि जब कोई भी रिवर्स, नदियाँ किसी बड़े, अपने से बड़ी चीज़ में आके मिलती हैं तो वहाँ मुहाने पर जो बनाती हैं उसको बोलते हैं डेल्टा। आगे बढ़ते हैं, दूसरी या बहाव प्रक्रिया स्थल के लगातार बढ़ने एवं टूटने की प्रक्रिया है। जैसे पहली प्रक्रिया क्या है इसमें कि पहली प्रक्रिया तो जो इसमें आंतरिक प्रक्रिया हो रही है हमारी अर्थ के अंदर, और दूसरी बाह्य प्रक्रिया है जो स्थल के लगातार टूटने से, पृथ्वी की सतह से टूटकर घिस जाने को अपवर्तन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी बहुत बड़ा पार्ट भी अर्थ से अलग हो जाता है, अपवर्तन कहते हैं। निक्षेप अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। ये निक्षेपण आपकी प्रक्रिया, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निक्षेपण क्या है, तो निक्षेपण से क्या हो जाता है आपका कि जो अपरदन की क्रिया होती है वापस उसका भर जाना, अपरदन यानी कि किसी का घिसकर टूट जाना, और निक्षेपण प्रक्रिया द्वारा से उसको फिर से निर्माण करना। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु
तथा बर्फ के द्वारा होती हैं। हम इनको विभिन्न स्थल रूपों को ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वत, यानी कि हमारी जो प्रक्रिया होती है, यानी कि जो स्थल रूप बनते हैं वो किस कारण से बनते हैं, तो पृथ्वी की जो बाह्य प्रक्रिया और आंतरिक प्रक्रिया जो चल रही है उसके द्वारा बनते हैं। और इसका कारण क्या है, अपरदन और निक्षेपण। जैसे नदी के द्वारा अगर जो चीज़ें आती हैं, और नदी क्या होती है, डेल्टा बनाती है और किसी अपनी से बड़ी चीज़ में मिल जाती है, जैसे समुद्र में नदियाँ मिल गई तो जो डेल्टा बना वो क्या बन गया, एक स्थल रूप बन गया। और यहाँ पर जो मैदान, ये जैसे आपका गंगा यमुना का मैदानी भाग है तो वो क्या बन गया, मैदानी भाग बन गया। कभी कभी कोई पर्वत टूट गया तो वो आपकी पहाड़ी बन गई, पहाड़ी भी अगर समतल हो गई तो वो पठार बन गया। इस तरह से क्या होता है, इन चीज़ों का, स्थल रूपों का निर्माण होता है। सबसे पहला पॉइंट है आपका पर्वत। पर्वत पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा है तथा आधार चौड़ा होता है, यानी कि इसका जो आधार होगा, यानी कि जो बेस होगा नीचे वो चौड़ा होगा और जो शिखर होगा वो कैसा होगा, आपका छोटा होगा। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है, कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं, यानी ऊंचाई इसकी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाएगी। आपको जैसे पहले ही बताया था कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं तो टेम्परेचर क्या होता जाता है, कम होता जाता है, तो जो जलवायु होगी वो कैसा होगा, क्लाइमेट कैसा हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती हैं जिन्हें हिमानी कहते हैं। हिमानी क्या है, हिमानी आपका क्या हो जाएगा, बर्फ की नदियाँ, जिनको क्या बोलते हैं, हिमानी। और जो पर्वतों में जमी रहती हैं हमेशा, जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप देख नहीं सकते, कठोर जलवायु के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ लोग कम निवास करते हैं। यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों में लोग क्यों निवास कम करते हैं, क्योंकि वहाँ की जलवायु जो होती है वो काफ़ी कठोर होती है। जैसे आपका सियाचिन ग्लेशियर है तो आपको पता होगा वहाँ पर जो हमारे आर्मी के जो लोग ड्यूटीज़ करते हैं तो वहाँ पर भी कितनी प्रॉब्लम्स आती है, किस तरह की उनकी कभी कभी पिक्चर्स दिखाई जाती हैं तो किस तरह से दिखाई जाती है, उनको कितनी प्रॉब्लम्स होती है, क्यों, क्योंकि वहाँ की जो क्लाइमेट है, जलवायु बहुत ही हार्ड है लोगों के लिए, सर्वाइवल के लिए। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। कहाँ पर, पर्वतों पर। अगर पर्वतों की विशेषताओं पूछा जाएगा तो ये आ जाएगा, पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं जिसे श्रृंखला कहा जाता है। ये आपके एग्जांपल्स दिए गए बलित पर्वत के, ये आप आगे पढ़ोगे कि क्या बलित पर्वत क्या है, किस तरह से बनती है, इनका निर्माण कैसे होता है। बहुत से पर्वतीय क्षेत्र में समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, आल्पस तथा एंडीज क्रम से एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं। तो आपको ये पता होना चाहिए हिमालय कहाँ की है आपकी, एशिया। हिमालय कहाँ की पर्वत श्रृंखलाएं है आपकी, एशिया की। आल्पस आपकी यूरोप की, जो इसका नेबरिंग कॉन्टिनेंट है, किसका, एशिया का। और तथा आपका एंडीज कहाँ की है, दक्षिण अमेरिका की। ये सारी क्या है, पर्वत श्रृंखलाएं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिया गया है, आप इसको देखिए। क्या आप जानते हैं प्रशांत महासागर में स्थित मोनाकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह से नीचे स्थित है, इसकी ऊंचाई एवरेस्ट शिखर से भी अधिक है। यानी कि जो आपका प्रशांत महासागर है उसमें एक पर्वत है और उस पर्वत का नाम क्या है, मोनाकी पर्वत हवाई द्वीप, जिसको क्या बोलते हैं, हवाई द्वीप भी बोलते हैं या फिर मोनाकी पर्वत भी बोलते हैं। और इसकी जो पर्वत की ऊंचाई है वो कितनी है, 10,205 मीटर, जो माउंट एवरेस्ट, जो सबसे ज़्यादा हाई माउंट एवरेस्ट क्या है, सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला पर्वत है विश्व में, ठीक है। और जो, लेकिन इसकी जो ऊंचाई है वो उससे भी ज़्यादा है, तो सोचिए प्रशांत महासागर में भी पर्वत इतने ऊंचे ऊंचे हो सकते हैं। पर्वतों के तीन प्रकार हैं, बलित पर्वत, भ्रंशोत्त पर्वत एवं ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा आल्पस बलित पर्वत हैं, यानी हमने जो भी ऊपर देखा कि हिमालय तथा आल्पस, आल्पस कहाँ का था आपका, यूरोप का था, और हिमालय आपका एशिया का था। ये दोनों किस तरह के बलित पर्वत हैं जिनकी सतह ऊबर खाबर तथा शिखर शंक्वाकार हैं। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी, यानी पूछा जाता है विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सी है, पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, अरावली। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अल्पेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं, इनकी ऊंचाई कम है, ये बहुत पुराने बलित पर्वत हैं। ये भी कैसे हैं, बलित पर्वत हैं। और जो आपने अभी देखा हिमालय तथा आल्पस, ये भी कैसे हैं, बलित पर्वत हैं। तो आपको बलित पर्वत कौन से हो गए, यूराल,
बलित पर्वत हो गया आपका, आल्पस, हिमालय, ये सारे कैसे हैं, बलित पर्वत हैं। यानी कि जो जितने भी पुराने पर्वत हैं वो कैसे हैं, बलित पर्वत हैं, नेचुरल हैं और पुराने हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाकार रूप से विस्थापित हो जाता है तब भ्रंशो पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड का उत्खंड हार्स तथा नीचे धसे हुए को द्रोड़का या ग्रावीन कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से एग्जाम की दृष्टि से कि भ्रंतोस पर्वत क्या कौन से होती हैं, कि जब पर्वत का कोई बहुत बड़ा भाग टूट जाता है ऊपर से तो भ्रंशोस पर्वत का निर्माण होता है, और जो ऊपर जो पार्ट होता है उसको उत्खंड हार्स बोलते हैं, और जो नीचे का जो पार्ट हो जाता है इस तरह से इसको क्या बोलते हैं, द्रोड़िका बोलते हैं। यहाँ से आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र से उनकी स्थिति देखिए तथा भू आकृतियों का पता लगाइए। यूरोप का राइन, एग्जाम्पल में अगर पूछा जाता है कि यूरोप का राइन तथा वॉस जैस किस तरह का है, उदाहरण है, तो आपके कौन से हो जाएंगे, भ्रंशोस पर्वत, यूरोप का राइन घाटी तथा वॉस जैस पर्वत, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ज्वालामुखी पर्वत तीसरा क्या है, ज्वालामुखी, यानी पहला हमने कौन सा पढ़ा था, वलित पर्वत, यानी जो जितने भी प्राचीन पर्वत हैं, हिमालय है आपका, और ये हिमालय है, और आपका यहाँ से दिया गया है, ये सारे किस श्रेणी में आते हैं आपके, बलित में आती है, बलित पर्वत में। आल्पस, हिमालय, यूराल, ये सारे कैसे हैं आपके, बलित पर्वत हैं। उसके बाद आपके भ्रंशोत के दो एग्जाम्पल दिए गए हैं इसमें, राइन घाटी और वॉजेस पर्वत। अब आप पढ़ोगे ज्वालामुखी पर्वत, तो क्रियाओं के कारण, ये ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनती हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा, वेरी इंपॉर्टेंट है, किलिमंजारो और फ्यूजियामा किस तरह के पर्वत हैं आपके, ये आपके ज्वालामुखी पर्वत हैं। पर्वत बहुत लाभदायक होती हैं। उसके बाद इनकी वो विशेषताएं बताई गई हैं कि पर्वतों से हम क्या क्या कर सकते हैं, पर्वतों से हमें क्या क्या मिलता है, कौन से खेल, ये एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पर्वतों के लिए, तो पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है सीटेट में आपका कि कौन से खेल पर्वतों पर खेले जा सकते हैं। ये यहाँ पर आपके एग्जांपल दिए गए हैं, अत्यधिक वॉल्व से मैग्मा का निर्माण, यानी ये इस तरह से ज्वालामुखी पर्वतों का क्या होता है, निर्माण होता है। पठार, उसके बाद क्या है, पठार, पठार ऊपर उठी हुई सपाट भूमि होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम समतल स्थान पर रह रहे हैं तो यहाँ से जो ऊंचा उठा हुआ समतली स्थान है, ऊंचा है लेकिन है समतल, उसको सपाट होगा, यहाँ पर टेबल नुमा होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, पठार बोलेंगे। यह आसपास के क्षेत्रों, इंग्लिश में इसको प्लेट्यू बोलते हैं, यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग, इसका जो ऊपरी भाग है, ऊपर का जो उठा हुआ भाग होता है वो कैसा होता है, ऊपर का मेज के समान, जैसे बताया टेबल नुमा, किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्राय किसी कुछ 100 मीटर से, यानी कि जो उनकी ऊंचाई होगी कितने मीटर तक होगी पठार की, प्लेट्यूज की 100 मीटर तक। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि पठारों के तीन प्रकार पढ़े थे हमने, कौन से पर्वतों के तीन प्रकार पढ़े थे हमने, वलित पर्वत, भ्रंशोस पर्वत और लास्ट आपका ज्वालामुखी पर्वत। आगे इसमें दिया गया, भारत में दक्कन का पठार पुरानी पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का भी पूर्वी अफ्रीका पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार विश्व के सबसे ऊंचा पठार है। तो ये आपका जीके का भी ये क्वेश्चन बनता है कि सबसे हाईएस्ट जो प्लेट्यूज है वो कौन सा है आपका, तिब्बत का प्लेट्यू है, जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र से 4000 से 6000 मीटर तक है। उसके बाद भारत में छोटा नागपुर, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप देखिए, भारत में छोटा नागपुर पठार में लोहा, कोयला, यानी कि जो इंडिया का आपका है तो उसमें क्या क्या मिलता है, लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के लिए भंडार पाए जाते हैं पठारी क्षेत्रों में। यानी कि पूछा जाता है पठारी क्षेत्र हैं, पठारों में क्या पाया जाता है, जितने भी हमारे मिनरल्स होते हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं, प्लेट्यूज में, पठारों में ही पाए जाते हैं जितने भी मिनरल्स होते हैं आपके। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जल प्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। यानी कि पठारों से एक तो हमें क्या मिलता है, पठारों से हमें मिनरल्स मिलते हैं, खनिज लवण मिलते हैं, और दूसरा ये जो हमारे
जलप्रपात होते हैं वो भी पठारों से ही गिरती हैं, क्योंकि जो नदियां हैं अगर पर्वतों से नदियां गिरेंगी तो किस पर गिरेंगी, पठारों पर, और पठारों से जब नीचे आएंगी तो उसको क्या बोलेंगे, जलप्रपात। उसके बाद है आपका लास्ट मैदान। मैदान भी क्या है, समतल भूमि जिस पर हम रहते हैं और यहाँ से जो 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं, यानी कि मैदानी जो इलाका होगा वो 200 मीटर से ऊंचा नहीं होगा। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं, मतलब कि ऊंचे नीचे भी हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों द्वारा बने होते हैं, जैसे मैंने बताया था कि गंगा यमुना का जो मैदानी भाग है अपने साथ धोए जाने वाले पदार्थ जैसे पत्थर बालू सिल्ट को घाटियों से निक्षेपित कर देती हैं। नदियाँ जो होती हैं रिवर्स, वो क्या करती हैं कि पर्वतों से बहुत सारी चीज़ें लेके आती हैं और उन पदार्थों को कहीं अपर देती, जैसे जब वो समुद्र में मिलती हैं उससे पहले क्या कर देती हैं, अपने साथ लाई हुई चीज़ें पत्थर बालू सिल्ट को क्या कर देती हैं, निक्षेपित कर देती हैं, छोड़ देती हैं उनसे मिलने से पहले, और इससे निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, यानी कि मैदान जो होंगे समतल होते हैं तो इसकी जो ये कैसे होते हैं, अधिक उपजाऊ होते हैं, परिवहन का साधन अच्छे से हो जाता है, इसलिए सबसे अधिक, यानी कि जो सबसे अधिक पूछा जाएगा कि जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, तो मैदानी भागों में। स्थल रूप एवं लोग, स्थल रूपों की विभिन्नता एवं अनुरूपों के मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करते हैं, ये आपको मैदानी इलाका यहाँ पर एक दिख रहा है, ये क्या है आपका मैदानी इलाका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी भी है, समतल है और यहाँ पर अच्छे से फसल हो सकती है। उसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से है, स्वच्छ भारत मिशन, स्वास्थ्य शरीर से में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है और स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ पर्यावरण विशेष रूप से साफ जल वायु तथा स्वच्छ वातावरण प्राथमिक आवश्यकता है। इन सभी प्राथमिक आवश्यकताओं को सभी लोगों की सुलभ कराने हेतु भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। किस लिए चलाया जा रहा है, स्वच्छ पर्यावरण के लिए, स्वच्छ वातावरण के लिए, और कौन सा मिशन है ये, स्वच्छ भारत मिशन। उसके अलावा ये पिक्चर्स दी गई हैं, जैसे आप देख सकते हो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका राजस्थान का हो जाएगा, मतलब ये जगह जगह की पिक्चर्स दी गई हैं जिससे हमें पहचानें और उनको फिल करें। तो ये आज की क्लास आपकी यहीं फिनिश होती है। आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा अपने कमेंट्स अवश्य बताइएगा, अपने सजेशन दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।